नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ अमोल कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी खबरें। कल से जोधपुर में आरंभ होगी श्री राम कथा। 13 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। आप सुबह 9:30 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का आनंद ले सकते हैं। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में कही गई श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण कल से संस्कार यूएसए पर किया जाएगा। अब 11 जनवरी तक दोपहर 1 बजे से कथा का रसपान कर सकते हैं। 6 जनवरी को खाटू श्याम राजस्थान में शुरू होगी श्री खाटू श्याम कथा। 10 जनवरी तक चलने वाली कथा में श्रद्धेय मनुश्री जी महाराज रतन गढ़वाले लोगों को खाटू श्याम की महिमा से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 6 जनवरी से दुबई में आरंभ होगा द्वितीय विशाल पितृ यज्ञ। 12 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूज्य वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्सी जी महाराज लोगों को पितरों के ऋण से मुक्त होने के उपाय बताएंगे। 11 जनवरी से जगन्नाथपुरी में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 17 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। 19 जनवरी से अमरावती महाराष्ट्र में शुरू होगी श्रीमद् देवी भागवत कथा। 26 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी लोगों को माता की महिमा से कराएंगे अवगत। 10 फरवरी से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 16 फरवरी तक चलने वाली कथा में कथा वाचिका देवी चित्रलेखा जी लोगों को दिखाएंगी ज्ञान की राह। 20 फरवरी से बागेश्वर धाम आश्रम छतरपुर मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा। 28 फरवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे। कोरोना के कारण 2 सालों तक बंद रहने के बाद अब तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। जनवरी महीने के लिए दर्शन स्लॉट खोल दिए गए हैं। झारखंड के बासुकीनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को परिसर में प्रवेश करने के पूर्व मास्क लगाना और वैश्विक महामारी COVID-19 संक्रमण से बचाव को लेकर डबल डोज टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद भक्तों को इंदौर हवाई अड्डे और उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। 25 अप्रैल से आरंभ होगी शिव महापुराण कथा। 5 मई तक चलने वाली कथा में पूज्य भास्करानंद जी महाराज भोलेनाथ की महिमा का करेंगे बखान। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर परिसर में प्रबंध समिति ने 29 दिसंबर से निःशुल्क तिलक प्रसादी काउंटर की शुरुआत की है। कर्मचारी महाकाल का दर्शन कर आने वाले श्रद्धालुओं को बिना शुल्क लिए तिलक लगाकर प्रसाद बांटेंगे। 31 जनवरी से शिवपुरी मध्य प्रदेश में शुरू होगी श्री शिव महापुराण कथा। 7 फरवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य मां कनकेश्वरी देवी जी लोगों को भोलेनाथ की महिमा से अवगत कराएंगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को और भव्य और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। मंदिर के पहले तल में लगने वाले पत्थरों की तराशी का काम नए सिरे से किया जा रहा है। 28 फरवरी से रामेश्वर धाम तमिलनाडु में आरंभ होगी शिव महापुराण। 8 मार्च तक चलने वाली कथा में पूज्य आचार्य प्रवर कौशिक जी लोगों को भगवान भोलेनाथ की महिमा से कराएंगे अवगत। 25 फरवरी से रीवा मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 3 मार्च तक चलने वाली कथा में पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगे प्रयास। 4 धाम में से 1 यमुनोत्री का सफर अब और आसान होने वाला है। प्रदेश सरकार खरसाली में यमुनोत्री तक रोपवे निर्माण कराएगी। रोपवे निर्माण के बाद खरसाली से यमुनोत्री तक का सफर महज 9 मिनट में पूरा हो जाएगा। 9 जनवरी से सूरत गुजरात में कीजिए रसपान श्रीमद् भागवत कथा का। 15 जनवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। 30 जनवरी से नैमिषारण्य में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 5 फरवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य भास्करानंद जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।